कैंडिडेट्स, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने PCS प्री परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा के लिए हुई प्री परीक्षा का रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लिंक दे रही हूँ। उस पर आप जो है डायरेक्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आपको। और मैं आपको इसके साथ साथ बता दूँ, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि प्री परीक्षा में 318,147 उम्मीदवार यानी कैंडिडेट शामिल हुए थे। प्री परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों का मेन परीक्षा में भाग लेना होगा। मेन परीक्षा की जानकारी पाने के लिए आपको जो है ये चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। वो PCS मेन परीक्षा 23 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित की जाएगी, ये डेट्स आप देख लीजिए। और मेन परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी, ठीक है। पहली शिफ्ट आपकी 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी, वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मेन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और वो भी आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें। मेन परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो है आप लिंक देख सकते हो। और इसमें जो है आपको बता दें कि इस परीक्षा के जरिए कुल 364 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें PCS के 309, ACF के 2 और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर RFO के 53 पद जो है वो शामिल हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट चेक करें। और मेन में ना खास बातें आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, PCS प्री रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में 6,320 उम्मीदवार जो है सफल हुए यानी पास हुए। मेन परीक्षा 23 फरवरी से 6 मार्च तक होगी। तो ये तीन हेडिंग जो है आप उस अपने माइंड में रखिए और आप अपना मेन्स एग्ज़ाम की आप तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।